युवाओं में बढ़ती नशे की लत काफी गंभीर और चिंताजनक होती जा रही है, जिसको देखते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश भर में नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई। अम्बाला में पुलिस द्वारा नशे को लेकर जिला स्तरीय जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अम्बाला रेंज की IG भारती अरोड़ा शिरकत करने पहुंची। इसके अलावा कार्यक्रम में अम्बाला के DC SP व अन्य जिलों के मुख्य पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस द्वारा कार्यक्रम में नशे के खिलाफ काम कर रही NGO समाज सेवी लोगों व नशा छोड़ चुके युवाओं को भी आमंत्रित किया गया था। मैं स्मैक पीता था, इंजेक्शन भी लगाए ड्रग्स के, ठीक है जी। मेरे को NGO ग्रुप का पता लगा, जगदम्बा जागरण समिति हैगी हमारी, ये हमारे मदान साहब जी हैं, इन्होंने फिर मेरे को कहा कि आपको हम दवाई दवाएंगे सिविल अस्पताल से। तो फिर जब से मैं दवाई खा रहा हूँ तब से सही है मेरा शरीर, अब मैं कोई नहीं इतना तो ड्रग्स ले रहा हूँ, और बल्कि और लोगों को भी कह रहा हूँ दवाई लो, नहीं वो तो मानते ही नहीं है। देखो सर, मेरे को कितना टाइम हो गया सर, मेरे को सर महीना होने वाला है ये। नहीं नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है जी मुझे, ना कोई टांगों में दर्द होता ना कोई पीड़ होती। लोगों से अपील करते हैं जी, चलो हमारे साथ, आप दो को भी लेके आए आज, हम दवाई अच्छी मिल रही है सिविल में, ये भी यही ये मदान साहब ये भी यही अपील करते हैं इन्होंने, क्योंकि मेरे घर आके बताया था कि वहाँ पे अच्छी दवाई मिलती है, ऐसे करके जाना आप वहाँ पे सिविल अस्पताल में, इन SP के आगे पेश करके ये वाली दवाई दवाई थी फिर उन्होंने मेरे को। डी एडिक्शन पे हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है रेंज लेवल पे, कि जो बच्चे एडिक्ट हो गए हैं उनको हम विक्टिम्स की तरह ट्रीट करते हैं, और उनको किस तरीके से नशे से बाहर निकाला जाए उसके लिए अपनी फोर्स को मोटिवेट करने के लिए, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और CMO, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, समाज की सेवी संस्थाएं और मीडिया, इन सबको मिला के हम चाहते हैं कि इस नशे की जड़ को ख़त्म किया जाए। मैम, लोगों के जहन में अक्सर एक सवाल रहता है कि पुलिस ही नशा बिकवाती है, उस स्थिति में कैसे निपटेंगे? ऐसा इंप्रेशन तो नहीं होना चाहिए पुलिस तो नशा नहीं बिकवाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि क्योंकि जब नशे करते हुए लोगों को हम देखते हैं तो लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ये इस तरह से एक फ्रस्ट्रेशन में बात निकलती है कि पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से सजग है और हम दो तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ तो जो नशा बेचने वाले हैं उनको रोकना है, उनके सोर्स तक जाना है, कहाँ से वो पकड़ के ला रहे हैं। और इनफैक्ट अभी पिछले दिनों में कुरुक्षेत्र ज़िले में जो नशा बेचने वाले थे उनकी प्रॉपर्टी, मेजर प्रॉपर्टी को, करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी को पुलिस ने जब्त किया है। इस मुहिम से बहुत फ़ायदा मिला है, और जैसे यमुनानगर में कॉल सेंटर बनाया है, एक हेल्पलाइन नंबर ऐड दिया हुआ है, उसमें पिछले 20 दिनों में 180 कॉल्स आ चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं नशे की वजह से, और उनके फैमिलीज़ कॉल करती हैं और वो कहती हैं कि हमारे बच्चों को निकालो इससे, क्योंकि क्राइम को भी इससे बढ़ावा मिलता है, जो लोग नशा करते हैं फिर वो क्राइम की तरफ भी जाते हैं। तो क्राइम को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नशे को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करें। अम्बाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।